किसान जथेबंदियों वालों अपनी मंगों को लैके रेलवे स्टेशन गुरदासपुर पूरी तरह जाम करता गया और किसानों वालों जरा रेलवे स्टेशन तीन दिन लगातार जाम रखा जाएगा। तुम देख सकते किसान जथेबंदियां जो आगू ने और इन्होंने बीबिया भी जड़िया ने ट्रैक से बैठ चुके हैं और किसान फिलहाल आ रहे हैं। तुम देख सकते हो वही गिनती किसान आ रहे हैं और इन्हों का कहना कि जो धरना आ लगातार तीन दिन चलेगा और तीन दिन जो धरना चलेगा किसानों की मंगा MSP लागू करना होर जो किसानों के मसलों जो मंगिया सरकार मुकर गई और मंगा लागू करवा किसानों वालों जो तीन दिन धरना था यार। तुम देख सकते किसान वही गिनती जा रहे हैं और तीन दिन धरना लगातार चलेगा। ट्रालियां ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं और किसानों का आना लगातार जारी है और धरना जो शुरू हो चुका टेंट लग गया और पूरी तरह तैयारी कर ली गई ना साढ़े इतने किसान आगू मौजूद ने गलबात करेंगे। सर धरना शुरू हो जा रहा कितने दिन चलेगा और की मेन मंगा तो ये जी 28 तो 29 30 तक तीन दिन वास्ते धरना चलूगा। तो जिहड़ियां मुख मंगा ने MSP फसलों की जी पूर्ण गरंटी जी है खरीदी गरंटी तो हड़ां नाल प्रभावित जो इलाके दे विच जो नुकसान होया उहदी भी जी है केंद्र सरकार उपर भाई करे। नशा पंजाब दे विच बेहिसाबा चल रहा अगे नालों भी वध रहा उहदी भी अज तक कोई भी जी किसी किस्म का कोई थम नहीं रहा। तो अं कहने भी जोड़ा भी हड़ां नाल प्रभावित जिहड़ियां जमीनां का नुकसान होया वो भी सरकार दवे, जिहड़ियां फसलों का नुकसान होया वो भी सरकार दवे। जिहड़ा हड़ां नाल घर ढह गए ने लोगों दीआं मौतां हो चुकियां ने उहनां दी सरकार जिहड़ी अज तक कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो साडी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो होर 18 जथेबंदियां होर इस चीज़ नूं समर्थन दे रही ने कि बिल्कुल जिहड़ा वा उह इह जिहड़ियां मंगां ने साडियां जायज़ ने ते पूर्ण कीतियां जाण। सो बाकी साडी सूबे की टीम भी इतने पहुँच चुकी है। सरदार सुरविंदर सिंह जी चलाला पहुँचे ने, हरविंदर सिंह जी मछाणिया पहुँचे ने, वो भी अपना थोड़े नाल जिहड़ा वा अपन जिहड़ियां मुख मंगां ने उहदे नाल सांझ पाउणगे। सूबे के आगू इतने पहुँच चुके चलाला साहब, चलाला साहब जिहड़ा धरना आ चल रहा तैयारियां हो गई ने किन्ने देर चलूगा और की तैयारी की गई ने? ये लगातार जी 18 उत्तरी भारत दी मतलब 18 जथेबंदियां वालों ये 3 दिन का धरना वा तो लगातार ही चलूगा क्योंकि जिहड़ा पैकेज हड़ दा पैकेज है जिहड़ा 50,000 रुपये की मांग की 50,000 करोड़ रुपये की वह आ लखीमपुर वाला मसला वा दिल्ली के केस पे वो आ नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट आ इस तरह नशे वाला मुद्दा उत्तरी भारत के बहुत व्डे पद्धर से फैलिया पाया वा ये सारिया मंगा लैके नरेगा वाला मसला वा जमीन दे विचों रेता कढ़न का हक किसान नूं दिता जाए क्योंकि जमीन वो रेता पै गई हड़ दे नाल ये व्डे मुद्दे आ जिन्हां नूं लैके असी अपनिया 18 जथेबंदियां उत्तरी भारत के सारा ये पंजाब भी बंद कर रहा हरियाणा भी परसों तो बंद कर रहा तो असं ये कह रहे हैं भी देखो सरकार ने ये ध्यान देना चाहिए जोड़े हालात इतने बन गए क्योंकि सरकार दूसरे पास कर रही है जी इतने रैक लगन वाले है जी ये अपना खाद बंद हो जू जी किसानों की अं कहने लोगों मुश्किल बहुत व्डे पद्धर से होंगे समझते गल पर जड़िया मुश्किल सरकार क्रिएट कर रही है पैदा कर रही है वो नहीं करनिया चाहिए जे इन्हों की सुनवाई की जाए। पिछली बार भी सानू चंडीगढ़ जाने तो रोकया गया तो हुण जे अपनियां मंगां अं उभारन डे आ रेलों से बह के तो साडी गल नूं सुनना चाहिए कोई केंद्रीय मंत्री जां कोई मोदी साहब का कोई मंत्री केंद्रीय कोई साडी गलबात सुने मीटिंग करे तो साडियां मंगां नूं सुन के सिरे जिहड़ा लाया जाए। ये मोटे तौर पर ये अज दा जिहड़ा धरना शुरू हो गया बाकी सारियां पंजाब दे विच जे के सिरे ना लगा तो परसों तो फिर सानू दूसरिया स्टेटा भी खोलना पड़ेगा। भी किसान आगू जिन्हें कहना भी धरना जो शुरू हो गया तो तीन दिन लगातार जारी रहेगा और सरकार वालों जे कोई गलबात ना की गई तो धरना दूजिया स्टेट जो फिलहाल पंजाब से हरियाणा दो स्टेटा चलाया गया और फिलहाल जे ना रोकया गया अगर गलबात की अगली जी पूरी स्टेटा धरना लाने की तैयारी की जाएगी। पंजाब तक गुरदासपुर तो पिछंबर बिठू।